जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे, बस मेरी यही आपसे ईश्वर से दुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सोचोगे वही होगा। अक्सर लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है कि वो जो चीज़ें सोचते हैं वो होती नहीं। कई बार हमने कुछ प्लानिंग की कि चीज़ें ऐसे ऐसी हो जाए, लेकिन उस तरह से चीज़ें होती नहीं। कई बार ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि हम जैसा सोच रहे हैं उसके विपरीत ही होता है। मतलब सोचने के आसपास हो जाए तो चलो ठीक ही है, लेकिन वो तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। मन का सोचा होता ही नहीं। तो अगर आपकी परेशानी है कि जो जो चीज़ें हम सोचते हैं वो चीज़ें हम हमारे साथ नहीं होती हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप देखें। अब जो सोचोगे वो होगा, उसके कुछ तरीका है, कुछ मेथड है, कुछ बातें हैं, उसे हम फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं और उन चीज़ों को कर सकते हैं। पर एक निवेदन मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि ये जो सोचोगे ये सकारात्मक सोचने की बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप किसी का बुरा चाहो कि भगवान इसका बुरा कर दे, ये चीज़ें सब नहीं होगी। मैं पहले ही आपसे ये बात कह देना चाहता हूँ कि यह चीज़ें नहीं होगी, किसी का अहित नहीं होगा, नेगेटिविटी की चीज़ें कुछ नहीं होगी। जो पॉजिटिव है, जो उन्नतशील है, जो आपके भले के लिए है, अब वो कुछ भी हो सकता है। तो इसी विषय पर पूरी चर्चा को थोड़ा सा आगे ले जाएं, उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप वर्तमान में गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहले और कुछ मुख्य बातें हैं कि हम हमारे कर्मों पर ध्यान दें, हमारी प्लानिंग पर ध्यान दें, हमारी योजनाओं पर ध्यान दें, फल के ओर ध्यान ना दें। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो हमारे नियोजन पर हम काम करें, हमारी योजनाओं पर काम करें, उस पर फोकस हो। दूसरी बात है, खाली नहीं बैठना है, चाहे कुछ काम हो नहीं हो, पर खाली हमें बिल्कुल नहीं बैठना है। कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहना है। तीसरी बात है, हमेशा नया सीखने की ललक। जब आप नया सीखेंगे तो बहुत बार जो सोचा नहीं उससे भी बड़ी आप चीज़ें हो जाएंगी। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है आपकी सकारात्मकता। आप जितना पॉजिटिव खुद का एटीट्यूड रखेंगे, जितना सकारात्मक सोचेंगे, उतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। पांचवी और मुख्य बात, व्यसन से दूर रहें, नशे से दूर रहें, कोई भी नशा न करें, और जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें और ज़्यादा विचार करें, ज़्यादा कर्म पर ध्यान दें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सोचो वही होगा, वो जो होने की जो संभावना है वो है हमारे गुरु मंत्र से या ओम नमः शिवाय के जप से। आप जितनी बार अपने गुरु मंत्र का, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, दोस्तों आप यकीन मानिए, आप जो सोचेंगे सिर्फ मन में ख्याल आएगा और वो चीज़ें आपको स्वतः ही मिल जाएगी। ये मेरा अनुभव है निजी, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा लगा लाइक करें, ओम नमः शिवाय।